तपती दोपहर में नगर वासियों की हिफाजत में जुटे पुलिस कर्मियों को आईजी रीवा ने धूप से बचने, गमछा और पीने के लिए ठंडे पानी की बोतल, चौराहे पर ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों को समाज सेवियों के माध्यम से बांटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जीशान जावेद आपके साथ। खबर की शुरुआत एक अच्छी खबर के साथ। समाज सेवी संगठन लगातार उन लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं जो इस समय हमारी आपकी सबकी चिंता में लगे हुए हैं। अपना घर परिवार छोड़कर रीवा की गलियों चौराहों में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इसी क्रम में सतना के एक समाज सेवी ने रीवा में पुलिस विभाग के लोगों को जो तपती धूप में चौराहों पर हमारे आपके लिए, हमारी आपकी सुरक्षा के लिए तैनात हैं, पानी की बोतल और अंगूठा उपलब्ध कराया। इस मौके पर पूरा पुलिस महकमा मौजूद रहा। हमने रीवा के कॉलेज चौराहे पर जो नजारा देखा वह आप भी अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए और सुनिए रीवा आईजी चंचल शेखर क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, ये लॉकडाउन का आज ऑलमोस्ट एक महीने हो चुका है और जैसा आप देख रहे हैं जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो धूप काफ़ी तेज है, तो कई समाजसेवी संस्थान कुछ भोजन के पैकेट, कुछ सैनिटाइजर, कुछ मास्क इस तरह से कर रहे हैं। तो हमारे सतना जिले के प्रतिष्ठित व्यापारी मोतीलाल गोयल जी ने आज ये निर्णय लिया कि सभी जो धूप में काम करने वाले पुलिसकर्मी हैं उनके लिए 1 लीटर का कूल वाटर बॉटल जो मिल्टन का होता है वो, और एक गमछा जो उनको प्रोटेक्ट करे धूप से, वो वितरित किया। इसके लिए उन्होंने 300 प्रोवाइड अभी किए हैं और भी जरूरत आवश्यकता पड़ेगी तो और करेंगे। मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पुलिसकर्मियों के लिए बारे में ऐसा सोचा, उनको सुविधा पहुँचाने के लिए। देखिए, पुलिस खुद बहुत ही सक्षम है हर तरह के ड्यूटी करने के लिए, यूनिफॉर्म के लिए या जो भी उनके इस्तेमाल में आने वाली बात चीज़ें हैं उसके लिए गवर्नमेंट हर चीज़ देती है। परंतु अगर जनता के किसी व्यक्ति द्वारा इस तरह का सहयोग दिया जाता है तो इस सहयोग का अर्थ जो है पुलिस के मामले में मदद हम नहीं मानते हैं। हम मानते हैं कि वो उनका हमने विश्वास जीता और इस कारण से वो दे रहे हैं। तो हमारे जनता और पुलिस के बीच में एक अच्छा रैपो बनता है, एक अच्छे संबंध बनते हैं, हम इसको इम्पोर्टेंस देते हैं, इसलिए आज यहाँ आए और ये किया। सतना का भी घर पर रहना है, कोरोना को भगाना है, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना है। आप भी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।